देखिए इस टाइम लुधियाना शहर के खड़े हाँ बुढ़े दरिया के उत्ते जो तो सानू कोई खबर नहीं लभदी तो असं बुढ़े दरिया वल हो जाने है चैनल सबसक्राइब कर दौ असं वो दिखाने जो कोई होर नहीं दिखाता असं इसलिए दिखाने कि थोड़ी सोच बदलिया लोहे की पाइप देखा कर मंडी भाई आ देख पाइप किड्डी बड़ी मोटी लोहे की आह हा हा भी बल्ले बल्ले इदा दड़िया पाइपा पाई ने जा सड़क के उत्ते इन्होंने फिर पानी खिंच के लैके आए ने इतें वो विखा जरा प्लांट दिखा यार तू देखो अड्डे अड्डे मोटे पाइपा बल्ले 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 कमाल साध ये सारा पानी जाना है एस टी पी प्लांट के उत्ते बलोकी हो गया जमालपुर हो गया पट्टियाँ हो गया उन्हें ट्रीटमेंट प्लांट है जाना जो चलते ही नहीं है कमाल की गल तो है कि जो इतों पानी लैके जाना खिंच के इन्होंने उत्ते उत्ते प्लांट ही नहीं चलते भाई क्या बात है यार है दिमाग है सोचने वाली बात है जे पैसा इतना खर्च किया जा रहा है जहाँ पे दोस्तों पूछने वाला कोई नहीं है बंधु सारी दुनिया गूंगी बहरी बोली हो चुकी है बोलने की किसी में हिम्मत ही नहीं है भाई ये जो पानी है कहाँ लेके जाओगे आप जहाँ ट्रीटमेंट करना है वहां तो पहले ही खराब पड़े हैं वो कोई 10 साल पुराना है कोई 20 साल पुराना है कोई 15 साल पुराना है और ये फैंस लगाई थी जो दवारे जे 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 13-14 करोड़ में मिट्टी में मिल गया पहले उस्ताद मिल गया ना मिट्टी में टैक्स नहीं देते ना आपके घर का पानी का कनेक्शन काट जाते हैं ये टैक्स नहीं देते तो आपके सीवरेज का कनेक्शन काट जाते हैं ये टैक्स नहीं देते तो आपके घर को नीलाम करने तक चली जाती है ये कॉरपोरेशन इसलिए कि आप लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं है अपोज करने की हिम्मत नहीं है तभी तो अंग्रेज राज कर गए कितने साल लगे हमको निकालने के लिए उन्हें मुसलमान हम पर राज करके कितने साल उनको लगे हमें अपना राज फिर स्थापित करने में आज भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम होता है उसमें रुकावट डालते हैं देश प्रेम किसी में नहीं है हर किसी का रास्ता रोकना हमारी आदत सी बन चुकी है हम आदतन ट्रैफिक जाम करते हैं हम आदतन कूड़ा सड़क पर फेंकते हैं हम आदतन पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं हम आदतन अपने परिवार में झगड़ा करते हैं आदत सी बन गई है यार हमारी ये तो भैया हमने सिर्फ यही दिखाया जो प्लांट है ना जो किसी काम का नहीं है पैसे की बर्बादी है आप लोग पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर हैं डॉक्टर हैं लॉयर हैं ठीक है मैं कहूँगा नेता लोग ये करते हैं आप लोग देखते हैं देखते रहो यार आप देखने के जो दर्शक हैं देखने वाले जो देखिए वो साथ साथ लाल मिट्टी का वो भी कर दिया उन्होंने जो कंट्रेक्टर है वो सारा कुछ छुपा रहा है बहुत वो लाइटें भी लग रही हैं वहाँ पे फिर उद्घाटन होगा इसका उद्घाटन होने के बाद पेमेंट कर दी जाएगी क्लियर हो जाएगा फिर ये बंद हो जाएगा पहले भी जितने भी पंप वगैरह लगा रखे थे बुढ़े दरिया में सीवरेज का पानी छोड़ने के लिए वो अब इन पाइपों में डाले जाएंगे फिर ये पानी वहाँ जाएगा ट्रीटमेंट में फिर वहाँ से चक्कर निकाल के फिर बुढ़े दरिया में आ जाएगा वाह कमाल है उस्ताद या छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर देख लो भैया अगर इनको आप अच्छा देखना चाहते हो आने वाले समय में तो आपको मैदान में आना पड़ेगा आप लोगों को हर बार फुद्दू बनाते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं मूर्ख बनाते हैं नेता लोग वोट ले जाते हैं अब की बार आपको बिजली फ्री मिल गया बल्ले 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 आपको दवाई फ्री मिल गया बल्ले 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 आपको गैस भी मिल जाएगा फिर आपको बड़ा चीज़ें मिलेंगे भैया हैं बिक जाते हैं आप लोग भिखारी मत बनो इंसान बनो है इंसान बन जाओ भिखारी मत बनो टैक्स आपका है मौज नेता जी की है एमएलए साहब के साथ कितने गनमैन होते हैं चलते हुए देखा कैसे गनमैन होते हैं मैं तो देखता हूँ उनको है ना तो उसके बाद कैसे गाड़ियाँ उनके पास होती हैं कैसे ठाट बाट होते हैं थोड़ा सोच बदलो तो समाज बदल जाएगा है आपका टैक्स आपकी वोट और मौज किसी और की आप कैसे सहन कर लेते हो ये सब आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो सब हम तो भैया नहीं बर्दाश्त करते हम तो सड़क पर खड़े होकर बोल देते हैं जिन्हें जो करना कर लो यार तुस आप पूछ हिलाते हो ना हिलाते रहो जेडे लीडर फिरते है थोड़े बच्चे भुगतन गए हैं हाँ थोड़े बच्चे नहीं भुगतना जो छोटे छोटे स्कूलों भेजते है अद्धे तुम कनेडा निकल गए
जो बचे खुचे है उन्होंने पंधे किधर जाना है वा और चल चलिए यार बंटी आपा की लेना देना किसी तो यार।